ਫਰਿੱਜ ਉਹ ਮਿਡ ਹਾਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇਨਵਰਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ 12 ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਲ 32,000 ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 32 32,000 ਵਾਲੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਟੋਟਲ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 34 ਲੱਖ ਇਸਕੋ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ जेड जे भाई वेलकम प्लीज स्टे मैं अभी आपका नाम ले रहा था हमारे जरार भाई भी आ गए लास्ट लाइव है आज की प्लीज स्टे मैं बता रहा था कि कैसे चला और कौन कौन मेरे साथ था तो मैंने आपके व्लॉग में इंशाल्लाह जो बकाया पैसे मेरे पास रह गए हैं उनकी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है जो कि मैंने सोची हुई है उसमें क्या क्या है ग्रॉसरीज हैं जितनी मैं नहीं कर सकता इतनी ग्रॉसरीज हैं ठीक है उसके बाद घरों के रेंट है उसके बाद बच्चों की फीसें हैं कैंसर पेशेंट्स के टीके हैं जो 2-2.5 लाख रुपये का एक टीका ठीक है ये सारा कुछ मिला के मुझे बट जो किसी के लिए पैदा करता है ना उसके आगे खून खुदा होता है ऑलरेडी तो टेंशन नहीं है अल्लाह बैठा है बादशाह ये क्या की कर रहे हो मुर्शद इजी हो जाए अपनी जिंदगी आसान कर रहे हो मुर्शद मैं आपको बात बताऊं यहाँ पर ना किसी ने भला करना और ना करने देना जो करेगा उसका भी गला पकड़ के खींच लेंगे बहुत सौखी यहाँ बाहर बैठे हुए यहाँ पर आपके खानदान के अंदर मोनोपोलीज नहीं है यहाँ पर जिसको आप जानते भी नहीं है वो भी आपके खिलाफ मोनोपोली करेगा मैं फेस कर रहा हूँ मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है मेरी बहन का घर डिस्टर्ब हो रहा है तो मेरे यार को हर महीने फाड़ लिया करांगा ओदा ब्लॉग बना के पावा करांगे ठीक है अली बीटीसी मेरा भाई है ठीक है अभी दुबई में है अपने हैं गुज्जर साहब हैं बाहर वाले ठीक है जो सपोर्ट करते हैं रेगुलर उनको पकड़ लिया करेंगे अभी अपना काम करांगे इतने नहीं आना सरकार टिकटॉक में अद्धे पैसे भी देइए ठीक है बाद गाला भी खाइए समझ रहे हो अच्छा सबसे बेहतर है कि हम एक मैं आपको देखें जो भी हमारे भाई हेल्प कर रहे थे यहाँ पे उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे बैंक अकाउंट जो होगा उनको एंड ऑफ मंथ हम स्टेटमेंट निकाल के दिखा देंगे कि भाई ये आपकी स्टेटमेंट है ये आपके नाम के पैसे हैं और ये यहाँ पे स्पेंड हो रहे हैं इससे बड़े जजाय खैर और कुछ भी नहीं है दैट्स इट बहुत आला ठीक है ना और हाँ मैं एक और बात बता दूं मेरे यार दी एप्लीकेशन भी आ रही है मेट मेरा पूरा इरादा सी मैं उसे जाना है लेकिन मैं मेट मेट से भी नहीं आवांगा मेरा तेरे ना प्रॉमिस है ये ना किसी का भला करना ना किसी तीसरे को करन देना समझ रहे हैं मुझे पता क्या बात है दादाजी मैं आपको बात बताऊं आई वाज मेरी बहन व्लॉगिंग छोड़ गई है ऑलमोस्ट महीना हो गया उसने व्लॉग नहीं किया उससे पहले एक व्लॉग किया फिर पिछले महीने व्लॉग भी था किया जस्ट बिकॉज इनके जो अल्फाज हैं ये ऐसे ऐसे डाढ़े अल्फाज दादाजी यूज करते हैं ना इनका एक बार रूह नहीं कांपती किया किसी की बहन के बारे में किसी की माँ के बारे में ऐसी हम बात कर रहे हैं अम्मा आके बैठी हैं आप सब गवाह है ना सलमान की आई डी पे आके अम्मा एक दिन बैठी जब आप मुझे छोड़ के अम्मा की प्लॉट पे चले गए थे उन्होंने वो बात पता ली कि एक साइड से माँ आई है एक साइड से बूढ़ी आई है एक साइड से बूढ़ा आया है एक साइड से भैन आई है एक साइड से जवाई आया है एक साइड से आप आया भैन तो मेरी कभी नजर ही नहीं आई टिकटॉक लाइव से एंजी गुजरती गुजरती प्यार दिखा के चली जाती बहुत प्यारे लोग ने भाई बरसा सुनाओ सरकार की हाल है ठीक ठाक मेरी जान की हाल है ठीक ठाक हो अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन कैसी है ठीक हो वालेकुम सलाम दादाजी सबको बहुत बहुत सलाम आप सब वो हैं जो डे वन से मेरे साथ हैं गुजर भाई भी इंशाल्लाह हम आगे भी रहेंगे आपके साथ नो मैटर वेयर यू आर हम लोग हमेशा आपके साथ हैं सरकार तोड़े वास्ते कुछ भी आदर है टेंशन नहीं ऑनेस्टली हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा ना जिस तरह हम यहाँ पे बैठ के करते थे हम वैसे ही रहेंगे आपके साथ exactly, इन लोगों की वजह से हम कभी एक दूसरे से नहीं होंगे लिटरली मैं भी आपने मुझे बताया ना तो मैं मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे कि भाई किस तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं आप तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेशन में है ना जी बिल्कुल मुझे आपसे कितनी बार बात हुई आपने मुझे कहा कि मेरे भाई ने आज सोना नहीं है 3 बज गया मेरा जी बिल्कुल मैं हमेशा बोलती हूं आपको अली भाई भी आए अली भाई अगर फ्री है तो ऐड कर ले आपने मेरा आगे से आपको जवाब क्या था यही कि भाई बैठे हैं अब लोगों के लिए जो जिम्मेदारियां उठाई हुई है वो तो करना ही है ना काम लेके पैर के नाम तो शुक्रिया बाकी हम अपना काम रोकने वाले दादाजी साथ ही लेकिन यहाँ तो चले ही जाता है अली भाई आपको दिन दोगुनी तरक्की दे थैंक यू सो मच हम लोग रजब के साथ इसलिए थे कि यार हमें पता वो क्या कर रहा कोई नहीं करता मेरे अपने मैं जब से वापस आया हूँ ना मेरा ईमेल का अकाउंट मेरे टिकटॉक पे मैसेज मेरा व्हाट्सएप ये चार जगहों पे मेरी कंपनी वाले बोल रहे हैं भाई इतना मैसेज इतना ईमेल आया है तू क्या कर रहा है
एक बात का जवाब दीजिएगा, आप 3 दिन मेरे पास गए हैं, घर के बाहर क्या आलम होता है भाई, बहुत रश, थोड़ी देर बाद कोई ना कोई यार, मैं उस चीज का गवाह हूं, वो लड़की मुझे याद है रजब, अभी भी मुझे छोड़ दे, चीज कर रहा हूँ, सबको पता है ये कंट्रीब्यूशन करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है, आप आएंगे, गुज्जर साहब आएंगे, मैं आप लोगों को वो चीज लाइव दिखाऊंगा यहाँ पर, इसके अंदर हर चीज है, किसके कितने देने हैं, किसको कितने दे दिए, कितने कमाए, ईच एंड एवरीथिंग सबूतों के साथ। अब जो ये आप लोगों में बात करते हैं, जो बात करते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी 5,000 के गरीब को नहीं दिया, लेकिन मेरे को चलती रहती ना बातें, मैंने करते रहना था, मैंने रजब फैमिली को सपोर्ट करते रहना है, तो मैं अपने, लेकिन साथ ही जो ये टाइम होता था, शेर का बच्चा मैं करना था, वहां बड़ा याद करांगा, आई मेरी बहन आमना, आया मेरा यार गुजर, आया मेरा भरा अली भाई, सला भाई, लव्यू दादाजी, लाइन माफिया, मैं ये हर चीज बहुत मिस कर रहा हूँ, आई फेयर और यहाँ लगाए आज बस लास्ट लाइव है, जितने मेरे साथ मुझे सपोर्ट करने वाले रेगुलर थे उनको लाइव में लिया हुआ, अगर आप हैं बैठे में, मुझे पता नहीं आप बैठे में चले गए, तो ये सारी चीजें, हर प्यार करने वाला नहीं होता। एक बात बताता हूँ, मैं आज ये चीज पक्की कर रहा हूँ, कंफर्म, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपसे, हम सब यही बात कर रहे थे कि एक एनजीओ टाइप मैं खुद की बनाऊंगा, ना मैं उसको डिस्कस करूंगा, ना मैं यहाँ पर आके बैठ के किसी से कहूंगा जी आओ डबल टैप करो, शेर मारो या मुझे बचाओ, भाई पनिशमेंट भी कर रहा हूँ, अली भाई यूट्यूब बहुत साफ है, खुदा की कसम 1.5 साल से हूँ और इस टाइम टॉप का यूट्यूबर हूँ, नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी गाली नहीं पड़ी, डॉग बना बना के डाले हैं 70 लाख का भी और 17 लाख का भी, अभी तो वही 2 महीने, कि कोई डाउट ना करे कि हाँ भाई ये पैसे खा देता है, ये बंदा जो सबसे नीचे बैठा साथ भाई, ये 3 दिन मेरे पास रहे आके, मेरे खाला के बेटे नहीं है, हमारे गिफ्टर ही थे डे 1 से मेरे साथ थे, मैंने इनको इंसिस्ट करके बुलाया कि भाई आके प्लीज 2-3 हमें भी 2-3 दिन हमें खाता दुबारा का मौका दे, दुबई से बुलाया, 3 दिन मेरे पास रहे, जाते हुए कानों को हाथ लगा के गए, तेरी हिम्मत है तेरा हौसला, मेरे दरवाजे पे इतना रश होता, आपको सर्च किया YouTube पे और वहां मैंने आपको देखा, आपको यहाँ से फैमिली मिली, आप खुद कहते हो रजब फैमिली, फैमिली को छोड़ने से पहले बात कोई मैच नहीं खेलना, मैं लाइव आऊंगा, जिसने मेरी हेल्प करनी है यहाँ करो, देखो छोड़ना नहीं चाहिए, मैच ही छोड़ दो, ठीक है, आपके कंपटीटर्स खत्म हो जाएंगे, लोगों को पता होगा यार ये मैच नहीं लगाता, अरे भाई थोड़ा सा ब्रेक ले लूं अगर आप इजाजत हो तो, बस ऐसी छोटी सी ब्रेक, जी जी बिल्कुल बिल्कुल।